दोस्तों बात करें आज भी इंडिया के अंदर ज्यादातर जो फोन बिकते हैं ना वो 4G होते हैं, लेकिन फिर भी कई सारे लोग अब धीरे धीरे 5G के ऊपर अपग्रेड कर रहे हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम ये थी कि 5G ये अच्छी क्वालिटी के फोन अभी भी अवेलेबल नहीं थे, और थे तो बहुत ही कम क्वांटिटी में। Redmi ने यहाँ पे फोकस किया है कि अपनी पूरी रेंज को यहाँ पे धीरे धीरे 5G कर दो और 4G को यहाँ पे खत्म कर दो। अब मार्केट में अगर 4G फोन से खत्म हो जाएंगे तो 5G बचेगा, और इसी कैटेगरी में इनका एक बजट फोन है यहाँ पे Redmi 13 5G। अब इसके बारे में बात बताता हूँ, अंडर 15,000 रुपीज का एक फोन है। अब क्या 15,000 रुपए के अंदर क्या सारी चीजें फुलफिल करता है जो एक अच्छे फोन में होनी चाहिए? क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि जब भी बजट 5G फोन बनाते हैं तो 5G के चक्कर में बाकी जगह कॉस्ट कटिंग करती जाती, यानी कि एक्सपीरियंस डाउनग्रेड कर दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ 5G के नाम पे। लेकिन फिर भी अगर मार्केट में 5G की डिमांड इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है तब भी क्या कर सकते हैं। खैर आज इस वीडियो में बात करते हैं Redmi 13 5G की, कि वाकई में क्या इस फोन के अंदर वैसा काम किया गया है या कुछ कमियां भी छोड़ दी गई है। और एक सरप्राइजिंग बात बताऊं, हाँ कुछ कमियां हैं इस फोन के अंदर। सबसे पहले बात करें Redmi 13 5G की कीमत के बारे में। यार ये फोन 13999 से शुरू होता है 6GB रैम 128GB स्टोरेज के लिए, और 8GB रैम 128GB वर्जन आता है 15,499 का, यानी कि लगभग 15,000 रुपए के अंदर आपको एक 5G फोन यहाँ पे अवेलेबल हो रहा है जहाँ पे रैम और रोम ठीक ठाक यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन एक बात यहाँ पर है कि यहाँ पे सबसे पहले तो बात करना चाहूंगा इसके डिस्प्ले के बारे में। डिस्प्ले 6.79 इंच का फुल HD+ LCD पैनल है, 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो सही है, लेकिन हाँ नीचे की तरफ थोड़ी बेजल है। हालांकि LCD डिस्प्ले है, लेकिन फिर भी इंडोर में डिस्प्ले यहाँ पे ठीक है, लेकिन आउटडोर में जो क्वालिटी इतनी ज्यादा खास मेरे को नहीं लगी, खास तौर पे HDR प्लेबैक के लिए, और डिस्प्ले के ब्राइटनेस लेवल मेरे को थोड़े से कम लगे। डिस्प्ले एक ऐसी चीज है जहाँ पे लोग इम्प्रूवमेंट अभी भी कर सकते हैं और इसको पहले से ज्यादा ब्राइट बना सकते हैं, क्योंकि 15,000 रुपए के सेगमेंट में अगर अपने फोन को बेच रहे हो तो आज भी कुछ ऐसी कंपनीज है जो AMOLED स्क्रीन तक प्रोवाइड कर देती है, लेकिन LCD स्क्रीन अभी भी थोड़ी सी आउटडेटेड लगती है। आज भी मैं समझता हूँ कि एक पॉइंट के बाद सभी फोन्स के अंदर अगर AMOLED आए तो बेटर रहेगा, लेकिन इस फोन के अंदर एक LCD देके एक बेटर LCD पैनल भी यूज किया जा सकता था। इसके साथ ही सामने की तरफ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन है जो कि अच्छा है, और पीछे की तरफ भी ग्लास प्रोटेक्शन, लेकिन पीछे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 नहीं है। कॉर्न यहाँ पे ग्लास बिल्ड एक अच्छा काम है, फोन देखने में काफी सुंदर लगता है, काफी प्रीमियम लुक एंड फील देता है जो इस रेंज में लोगों को यहाँ पे काफी अच्छा लग सकता है, पसंद आ सकता है। हालांकि जो फ्रेम है फोन के चारों तरफ वो अभी भी प्लास्टिक की दी गई है, वहां पे स्क्रैचेस वगैरह आ सकते हैं, और अगर फोन को यूज करने वाले तो कवर केस लगा लेना, क्योंकि कैसा भी फोन हो अगर गिरेगा तो कांच उसका फूट ही सकता है। लेकिन फिर भी डिजाइन वाइज तो यहाँ पे काम किया है उन्होंने, देखने में चीज अच्छी लगती है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। इसके साथ ही बात करें फोन के अंदर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है उसका प्रोसेसर। यहाँ पे आपको Snapdragon 4 Gen 2 AE प्रोसेसर देखने को मिलता है। अब नाम के तौर पे एक्सेलरेटेड वर्जन ये सारी चीजें बना रहे हैं, लेकिन अंदर की बात बताता हूँ, 4nm की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, बैटरी बैकअप पे ध्यान दिया गया इस प्रोसेसर में, तो बैटरी एफिशिएंसी मिलेगी, हीटिंग वगैरह की दिक्कत नहीं आएगी। परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा एवरेज है, डे टू डे टास्क अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए प्रोसेसर सही है, हैवी गेमिंग के लिए बिल्कुल नहीं है। गेमिंग वगैरह करनी है तो उससे बेटर आपको दूसरे प्रोसेसर MediaTek में देखने को मिल सकते हैं, वहां पे आप बेटर गेमिंग कर सकते हैं। इस प्रोसेसर में वैसा परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस आप नहीं ले पाएंगे, ये सिर्फ एक बेसिक टास्क के लिए बनाया गया जहाँ पे बेसिक जो काम होते हैं वो कर सकते हैं, तो वो एक चीज है जो उस प्रोसेसर को खान पे खास बनाती है। इसके साथ ही प्रोसेसर में आपको 5G का सपोर्ट मिलता है, तो बजट में अगर आप 5G यूज करना चाहते हैं जियो या एयरटेल का वो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन सवाल आता है कि मार्केट में जब से प्लान्स में प्राइस हाइक हुआ है तो उसके बाद से इंडिया में 5G यूजर्स भी यहाँ पे डिक्रीज हुए, यानी कि फ्री 5G ऑफर जो अभी अवेलेबल है वो आपका सिर्फ और सिर्फ महंगे प्लान्स में अवेलेबल है, जिसको अगर आपको यूज कर रहे हैं तो आपको अब महंगे फोन या महंगे प्लान्स को रिचार्ज करना पड़ेगा। तो यार वो एक चीज रहेगी अगर इस फोन में 5G यूज करना चाहते हो तो। इसके साथ ही बात करें तो 6GB 8GB के ऑप्शन यहाँ पे लगे। यहाँ पर मैंने 8GB रैम को टेस्ट किया तो वहां पे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं लगी, लेकिन फिर भी लगता है कि 6GB रैम के साथ शायद कुछ लोगों को माइनर स्टटर वगैरह हो सकता है इधर, क्योंकि अभी भी देखा तो Xiaomi के MIUI की जगह नहीं चलता है, यही चलता है HyperOS पे। Android 14 के साथ आता है आउट ऑफ द बॉक्स, जो कि एक अच्छी बात है। यहाँ पे Android 14 के कुछ फीचर्स लेकर आया, लेकिन अभी भी HyperOS और HyperOS का जो वर्जन 1 है वो उतना ज्यादा रिफाइंड यहाँ पर नहीं लगा। हालांकि कुछ ब्लोटवेयर्स यहाँ देखने को मिलते हैं जो Xiaomi का ट्रेडिशनल फैशन है, उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे 8GB रैम ठीक ठाक है, लेकिन 6GB रैम पे HyperOS थोड़ा सा हैवी यहाँ पर हो सकता है। देखने वाली बात है जो फ्यूचर में HyperOS के वर्जन आएंगे
वहां पर Xiaomi इसको किस तरीके से इवॉल्व करते, किस तरीके से बेटर बनाते, क्योंकि आज भी ऊपर ऊपर से MIUI की ही यहाँ पे याद दिलाता है। अगली चीज बता देना चाहूंगा कि एक अच्छा काम किया कि 120GB स्टोरेज में UFS 2.2 इन्होंने यहाँ पर दी है, तो स्टोरेज वगैरह यहाँ पर ठीक देखने को मिलती है प्राइसिंग के हिसाब से। अगली चीज के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे आप इंटरनल स्टोरेज लगा सकते हैं, एक मेमोरी कार्ड भी देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलता है, यानी कि दो सिम स्लॉट आप लगा ले या फिर एक सिम या एक माइक्रो एसडी कार्ड। इसके साथ ही पीछे कैमरास में देखा है तो ऐसा लगता है तीन बड़े बड़े छेद दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पे टेक्निकली बात किया तो एक मेन कैमरा है, 108MP का सेंसर, एक यहाँ पे 2MP का एक बिल्कुल यूजलेस सेंसर है और एक यहाँ पे LED फ्लैश मिलता है। देखा है तो कैमरा इस फोन का एक प्लस पॉइंट हो सकता था, लेकिन 108MP कैमरा को इतने तरीके से यूटिलाइज नहीं किया गया। फोटोज काफी ज्यादा एवरेज लेता है, उसके अंदर कोई खास चीज नहीं है और मेरी नजर में 108MP ना देखे, अच्छा 50MP का सेंसर लगाते और एक अल्ट्रा वाइड एंगल इंट्रोड्यूस करते ना, कमाल हो जाता। कोई OIS नहीं है, सिर्फ EIS वगैरह के साथ आता है, 1080p 30fps, ज्यादा कुछ आप इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ बेसिक चीजें कर पाएगा और इमेजेस भी डे लाइट में ही ठीक ठाक ले पाएगा। फोटोग्राफी इस फोन का एक पॉजिटिव पॉइंट बिल्कुल भी नहीं है, फोटोग्राफी कैमरास के अंदर अभी भी इसके अंदर इंप्रूवमेंट हो सकते हैं। हालांकि सेल्फीज मेरे को थोड़ी ठीक लगी, तो सेल्फीज के हिसाब से अगर 13MP का सेंसर है तो वो उसे आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन एक जो चीज जहाँ पे ये फोन काफी अच्छा मेरे को लगा वो था इसकी बैटरी लाइफ। बैटरी लाइफ काफी अच्छी है इस फोन की, लगभग 5030mAh की बैटरी है विद 33W की चार्जिंग, क्योंकि चार्जर यहाँ पे डब्बे के अंदर आता है और चार्जर की क्वालिटी काफी अच्छी है, चार्जिंग स्पीड्स भी अच्छी है और बैटरी बैकअप अच्छा है। ये चीज अच्छी लगी, यानी कि किसी को अगर एक ऐसा फोन खरीदा है जहाँ पे एक फोन को लंबे समय तक यहाँ पे यूज कर ले, रेडमी 13 5G को चला सकता है क्योंकि 5G है, परफॉर्मेंस डे टू डे में ठीक ठाक है और बैटरी लाइफ अगर अच्छी मिल रही है, तो ये कुछ इसके पॉजिटिव पॉइंट है जहाँ पे इसको कंसिडर किया जा सकता है। इसके साथ ही 5G कैपेबिलिटीज भी यहाँ पे एक बोनस एडिशन यहाँ पे हो जाता है। और बात करें तो ऑडियो के अंदर सिंगल स्पीकर है, बॉटम फायरिंग लाउड है, लेकिन स्टीरियो स्पीकर और अच्छा लगता है और यहाँ पे सरप्राइजिंग उन्होंने अभी भी हेडफोन जैक यहाँ पर दिया है, तो अगर आपके पास वायर्ड ईयरफोन है तो आप उनको यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल बात करें तो फोन है ना काफी ज्यादा मिक्स्ड बैग है, यानी कि 15,000 रुपए के नीचे यहाँ पे कॉस्ट कटिंग की गई तो डिस्प्ले में, डिस्प्ले इतना ज्यादा रिफाइंड मेरे को लगा नहीं, कैमरास भी बहुत ज्यादा एवरेज लगे और जो प्रोसेसर था वो मेरे को थोड़ा सा वीक लगा, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं निकाल सकता। हालांकि अगर सिर्फ और सिर्फ डे टू डे टास्क करने, छोटे मोटे सोशल मीडिया एप्स चलानी, उसके लिए फोन काफी सही है। इसके साथ ही बड़ी बैटरी यहाँ पर मिल रही है, चार्जिंग स्पीड यहाँ पे ठीक है, तो वहां पे कुछ चीजें मिल जाती है और शायद यही लगता है कि शायद 15,000 रुपए के नीचे रिक्वायरमेंट अब लोगों की काफी बदल चुकी है। लोग चाहते हैं ढंग का 5G फोन जिसका डिजाइन और लुक्स काफी सही हो, तो वहां पे फोन सरपास कर जाता है। Xiaomi का MIUI जिन लोगों ने चलाया, अगर वो हाइपर OS वाले इस फोन पे अपग्रेड करते तो उनको इतना ज्यादा चीजें में डिफरेंस देखने को मिलेगा नहीं, तो वो एक स्मूथ ट्रांजिशन हो जाएगा। बड़ी बैटरी लाइफ और ठीक ठाक परफॉर्मेंस के साथ ये फोन को सर्वाइव किया जा सकता है। इस फोन को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, अगर बेसिक ही बजट है 13-14,000 की रेंज में ही अगर एक फोन लेना है तो आप इस फोन को यहाँ पे जरूर से एक बार देख सकते हैं, चेकआउट यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि इस रेंज के अंदर ज्यादातर फोन यहाँ पे अवेलेबल होते नहीं है, ये एक चीज रहेगी यहाँ पे। तो यार ये है कहानी Redmi 13 5G की, क्या अच्छा था क्या बुरा था आप लोग को सब कुछ बताया इस फोन के अंदर। बाकी आप लोग बताइए आप लोग को फोन यहाँ पे कैसा लगा। थैंक यू बने रहने के लिए, मैं आप सुनता हूँ नेक्स्ट फोन के अंदर। गुड बाय।